हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे कि सबको पता है कि अभी 10th के एग्जाम खत्म हुई और सबके घर को यही माहौल होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होगा, स्टूडेंट्स खुद सोचेंगे कि अभी क्या करना है आगे। सो सर, हमको ये बताइए कि 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है, किसके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो जितने बच्चे अभी 10th की एग्जाम देके रिजल्ट के लिए कम्प्लीटली है और रिजल्ट को अवेट कर रहे हैं, उन सबको मैं सबसे पहले ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आई विश यू कि आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि 10th के बाद कौन से बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, ये डिसीजन पूरे का पूरा उस बच्चे का होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट पर्सन दैट स्टूडेंट वुड बी नोइंग द बेस्ट थिंग कि उसको कौन से स्ट्रीम में ज़्यादा मज़ा आएगा। द मेन इश्यू इज कि हमारा जो पूरा समाज है ना, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे पेरेंट्स है, वो पूरा वो उनकी तरह से गलत नहीं, लेकिन अपने दिमाग में ऐसा सेट हो बैठा है कि जिसको ज़्यादा परसेंटेज आते हैं उनको साइंस लेना चाहिए और जिसको कम परसेंटेज आते हैं उनको कॉमर्स और आर्ट्स लेना चाहिए। दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग, एक बेसलेस थिंग है, ऐसा कभी बच्चे को सोचना ही नहीं चाहिए। द मेन थिंग इज अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा जो पैसे कमा रहे लोग, दे आर द फील्ड, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। जैसे मैनेजमेंट के सीईओज होते हैं, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी वो मैनेजमेंट के बंदे कॉमर्स स्ट्रीम में आके सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पूरी दुनिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं कॉमर्स फील्ड में कंपेयर टू साइंस। IIM है, उसमें से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के विषय में आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स के विषय में आगे बढ़ते हैं, दे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे बिकम मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, दे परसू अदर कोर्सेज। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको साइंस रखना चाहिए, कॉमर्स रखना चाहिए, आर्ट्स रखना चाहिए। वो इस बेस पे डिसाइड हो कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए, उसका बेसिक डिसीजन किसके ऊपर होना चाहिए, उसका बेसिक डिसीजन फ्रेंड्स उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, गो फॉर साइंस। अगर आपको कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, यू शुड कम हियर इन कॉमर्स। क्योंकि हर एक चीज में मैं एक चीज मानता हूं, दुनिया को सबकी जरूरत है। दुनिया को तो साइंस वाले लोगों की भी जरूरत है, दुनिया को कॉमर्स वाले लोगों की भी जरूरत है, दुनिया को आर्ट्स वाले लोगों की भी जरूरत है। किसी के बिना दुनिया नहीं चलने वाली। तो अपने को क्या समझना है, अपने को यह समझना है कि मेरे को उस पूरी दुनिया में मैं कहां पे बेटर सेट हो पाऊंगा, कि मुझे ज्यादा बेनिफिट कहां पे मिलेगा, मैं किस तरह से मुझे कहां मजा आएगा और मैं कहां पे पैसा ज्यादा कमाऊंगा, उस बेस पे उसको डिसीजन लेना है। ना ही कि उस बेस पे कि भाई दुनिया क्या कर रही है, दुनिया तो कुछ भी करेगी, आपको अपना खुद का सोचना है। ठीक है, ओके। सो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है। आप भी खुद कॉमर्स के स्टूडेंट हो और CA डिग्री भी आपके पास है, तो आपको कॉमर्स के बारे में सबको ज्यादा पता होगा। सो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कि कॉमर्स क्या चीज है। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि आपका जो इंटरेस्ट का फील्ड है वो आपको चूज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक चीज पता नहीं है कि भाई साइंस तो मुझे पता है, 10th तक मैं पढ़ाऊँ, 8th में पढ़ाऊँ, 9th में पढ़ाऊँ, 10th में पढ़ाऊँ, साइंस ये है वो मुझे पता है, लेकिन ये कॉमर्स चीज क्या है वो ही मुझे नहीं पता है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स चीज क्या है, तो आपको अपना डिसीजन जो लेना है उसमें हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज बेसिकली समथिंग के जो बिजनेस और उसकी सर्विसेज है उससे पूरी तरह से लिंक्ड है, धंधा जो इंसान करता है उससे पूरी तरह से लिंक्ड है। कॉमर्स रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू सब्जेक्ट्स एंड इट इज वैरायटी ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स जिसको आप चूज कर सकते हो। अपने यहाँ पे ट्रेंड ये है कि कॉमर्स मतलब ये 2-3 साल पढ़ने का, 11th 12th पढ़ने का, उसके बाद वो बीकॉम करके ग्रेजुएशन करके फिर पूरा कर देने का। ऐसा नहीं है, कॉमर्स इज अ बिग स्ट्रीम, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। कॉमर्स अभी चीज क्या है मैं आपको वो बताऊं, कॉमर्स किस सब्जेक्ट के आसपास रिवॉल्व करता है और वो सब्जेक्ट्स क्या है। सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अगर मान लो मुझे आपके साथ बात करनी है तो मैं आपके साथ आपकी लैंग्वेज में बात करूंगा। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज पे आप समझ सकते हो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, लेकिन मुझे रिलायंस के बारे में जानना है कि रिलायंस क्या है और रिलायंस ने अब तक क्या क्या किया है, तो मैं कहां से जानूंगा? मैं जानूंगा अकाउंटेंसी से। वो अकाउंटिंग जो हुई होगी
वो अकाउंटिंग से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे वो स्टेटमेंट्स को देखकर मैं जान पाऊंगा कि रिलायंस क्या प्रॉफिट कर रहा है, क्या रिलायंस प्रॉफिट नहीं कर रहा है, क्या दूसरी कंपनियां क्या कर रही है रिलायंस के कंपैरिजन में। ये सब चीजें अकाउंटिंग का पार्ट। अब वो रिलायंस की बैलेंस शीट जो बनी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो रूल्स को ध्यान में रखकर आपको अकाउंटिंग करनी है। वो अकाउंटिंग है कॉमर्स का सबसे बेसिक जो चीज हम बोलते हैं कि कोर चीज है, कि अकाउंटिंग अगर आप समझ गए तो आप कॉमर्स के बादशाह बन सकते हो। अभी वो अकाउंटिंग जो है वो एकदम मस्त सब्जेक्ट है, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई भी सब्जेक्ट पसंद आया तो वो अकाउंटेंसी ही है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज समझने मिलेगी और द बेस्ट थिंग इज कि वो मैथ से जुड़ा हुआ भी है और मैथ से अलग भी है। किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से अलग है अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ्स के हाई लेवल के चीज नहीं आती है, फिर भी अकाउंटेंसी ऐसा है कि जो लॉजिक प्लस मैथ्स का कॉम्बिनेशन, आपको थोड़े बहुत प्रिंसिपल समझने और उसके हिसाब से आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे वो प्रिंसिपल्स के बेस पे वो एंट्री होगी और वो प्रिंसिपल्स के बेस पे ही आपको काम करना। लेकिन अकाउंटेंसी से आपको जो निष्कर्ष पे आप पहुंचोगे, आपकी बैलेंस शीट जो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ईयर एंड में आपने कितना पैसा कमाया, कितना नुकसान किया, आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपके पास कितनी चीजें हैं, कौन आपके ऊपर कितना रुपया मांग रहा है, ये सब हिसाब लगाना, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। द सेकेंड सब्जेक्ट इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स भी जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स से एकदम जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट आपने टेंथ में पढ़े थे वो थियरम था, राइडर था, भाई दिमाग में वो घुसता नहीं था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो चीज है उसमें एकदम जेन्युइन चीज मैं आपको बताऊं, हाई लेवल का कोई एलिमेंट इतना ज्यादा आपको परेशान कर दे ऐसा चीज नहीं होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे एकदम इजी कॉन्सेप्ट जो आप इजीली अपने दिमाग में सेट कर पाओगे अगर आपने प्रॉपरली वो सब्जेक्ट को पढ़ा तो। 11th और 12th में लिटरली बोल सकता हूं कि जिन जिन बच्चों को 10th में कम मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में, उन लोगों को भी 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में और अकाउंटेंसी में आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आपके जो इंटरव्यूअर है ये हमारे स्टूडेंट भी है, तो इनको 10th में कितने मार्क्स थे आपको 10th में मैथ्स में? 35 मार्क्स थे 100 में से मैथ्स में इनको 10th स्टैंडर्ड में। और 12th स्टैंडर्ड में कितने थे आपको? अकाउंटेंसी में 82 मार्क्स। तो जिस बच्चे को 35 में से 82 मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैथ्स का आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप कॉमर्स के फील्ड में आकर एक पूरी तरह से अपना ग्रोथ और अपना रिवाइवल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कॉमर्स। लेकिन चीज क्या है, डिसिप्लिन एक अंदर से आनी चाहिए कि भाई कॉमर्स रख रहा हूं तो मुझे ऐसा है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना है। ऐसा जज्बा अगर आपके अंदर आ गया तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पूरे, क्योंकि आप जो रेस है ना उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। अब तक क्या था, आपने जो रेस थी 8th स्टैंडर्ड का मैथ जिसको अच्छा आता है, 9th का अच्छा आता है, उसको 10th का अच्छा आएगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड से रेस में शुरुआत सबसे पहले से होगी। तो सब बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उससे सबको काम करना है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 10th में 60% आते हैं, लेकिन 12th कॉमर्स में 85-90% तक भी छू सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते और फिसल जाते हैं, 10th में बहुत ही अच्छे परसेंट आते हैं और अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी साइंस लेते हैं और वो साइंस में बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सभी बुरा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि जिनके साथ ऐसा बेसिकली होता है। तो हर एक चीज में मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा, इट इज गुड टू बी अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इट इज गुड टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स रादर देन बीइंग अ पुअर स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो आप पूरी जगह भी न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे इकोनॉमी पूरी तरह से अभी प्रॉब्लम में आ गई है, इकोनॉमी का ये हो गया, इकोनॉमी का वो हो गया, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सभी एक्सट्रीमली हाई लेवल के पैरामीटर्स आपको सीखने मिलेंगे। बट द बेस्ट बेनिफिट इज कॉमर्स स्ट्रीम में 11th में आपको एकदम थोड़ा थोड़ा सीखने मिलेगा, तो जो आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। फिर 12th में आपको उसके ऊपर थोड़ा मैक्रो लेवल पे थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो इको साइंस से मैं कॉमर्स में थोड़ी तरह से ऐसे बोलूँ ना कि कॉमर्स इज व्हाई कॉमर्स इज गुड, तो मैं उसमें एक चीज ये भी बोल सकता हूँ कि कॉमर्स में ना बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिरोसा जाता है हर साल, तो क्या उसके दिमाग में पूरा सेट हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से प्रेशर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में डाल दे बच्चे के ऊपर। तो वो तरह से आपको इकोनॉमिक्स में सीखने मिलेगा, आप हाई लेवल की इकोनॉमिक्स बन सकते हो और वो भी चीज पॉसिबल है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग इन डेप्थ नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट।
वो सीखने मिलेगा। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोग जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे, पैसा बना रहे, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेज करना सब कुछ जानते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, मैं अपना काम किसी दूसरे से करवा सकूं, ऐसी मेरे अंदर स्किल डेवलप हो, उसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट भी आपको डिटेल में इस कॉमर्स स्ट्रीम में सीखने को मिलेगा कि आप अपने बिजनेस में किस तरह से दूसरे लोगों का साथ लेकर अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। That is something that you will learn in the subject of management. The main thing, one more thing which I would like to say is, पांचवा subject है commerce का, that is secretarial practice and commercial communication, जिसमें आपके commercial communication के skills सुधरते हैं। किस तरह से आप bank से बात करोगे, किस तरह से आप दूसरे institution से बात करोगे, किस तरह से letter format में आप बात कर सकते हो, वो चीज़ आप सीखोगे। And secretarial practice में आप क्या सीखोगे, company format क्या है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, कंपनी को किस तरह से चलाया जाता है और कंपनी किस तरह से बंद होती है। तो बिजनेस करने का पूरा जो नॉलेज है आपको कॉमर्स से मिलता है। अब ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको अगर इन चीजों में इंटरेस्ट जग रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई कॉमर्स एज योर स्ट्रीम। अगर आपको साइंस पसंद नहीं है, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कॉमर्स में नंबर्स आएंगे, कॉमर्स में मैथमेटिक्स होगा, पर वो मैथमेटिक्स एकदम इजी होगा। इसलिए बोल रहा हूं, जिसको मैथ ज्यादा पसंद है ना, वो तो कॉमर्स में मजे करेंगे, लेकिन जिसको मैथ्स नहीं आ रहा है, वो लोग भी कॉमर्स में आकर अगर डिसिप्लिन से काम करें, तो उनका मैथ्स कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरी गारंटी है, दैट इज द एश्योरेंस। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने आपको बोला नॉलेज और इंटरेस्ट। नॉलेज मैंने आपको दे दिया क्या सीखने को मिलेगा, इंटरेस्ट अभी आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है करियर अपॉर्चुनिटीज और पैसा। क्या पैसा बनेगा इस चीज से, सर बोलेंगे सर समझ में आया कॉमर्स क्या है, मुझे मजा भी आ रहा है कि ये सब मैं करूं, तो मुझे इंटरेस्ट भी जग रहा है कि यार कॉमर्स मुझे करना चाहिए, साइंस वैसे पसंद नहीं है मुझे, अगर तो कॉमर्स इज ए ऑप्शन फॉर मी, तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम में अगर जाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं पढ़ूंगा भी, पर सर क्या बाद में मुझे इससे पैसे मिलेंगे, वो भी एक क्वेश्चन होता है बच्चे के दिमाग में, हमारे दिमाग में भी था, बच्चे के दिमाग में भी होगा। मैं आपको लिटरली बोल दूं फ्रेंड्स, कॉमर्स में हर एक बंदा जो मेहनत करता है 5 साल, 2 साल 11th 12th और उसके बाद 3-4 साल, 5 से 6 साल अगर कॉमर्स में तुमने मन लगा के पढ़ाई की, वो भी तुम्हें पूरे दिन पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हें लॉजिकली पढ़ना है, उसके बेस पे तुमने मन लगा के पढ़ाई की, तो तुम्हें कॉमर्स में डेफिनेटली अच्छे से अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, अच्छे से अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे से अच्छे तरह से तुम बिजनेस चला सकते हो, ऐसी स्किल्स तुम खुद डेवलप कर लोगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला इकोनॉमी है, उसके बारे में तुम समझ गए तो क्या तुम्हें अपने बिजनेस में वो काम नहीं आएगा, मैनेजमेंट के बारे में तुम समझ गए तो तुम्हें बिजनेस में वो भी काम आएगा, कंपनी खुद की बनानी है वो भी तुम सीख गए, तो ऐसा तुम खुद भी बिजनेस कर सकते हो, तुम कहीं और जगह पे नौकरी भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको लिटरली बोलूं, कॉमर्स के 2-3 स्ट्रीम्स, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, लेकिन 2-3 स्ट्रीम्स के बारे में सब जानते हैं, जैसे कि CA है, MBA है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने कभी भी अपनी लाइफ में 2-5 साल से कोई व्यक्ति CA बन के बैठा है उसको गरीब नहीं देखा होगा, ही विल बी अर्निंग क्वाइट हैंडसमली, और 10 साल से जो CA है वो व्यक्ति को आप हैंडसमली पैसा कमाते हुए ही देखोगे, वो लिटरल चीज है। और ये चीज के बारे में लोग समझते नहीं है, मैं लिटरली बोल रहा हूं, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर तुम मेहनत कर रहे हो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कॉमर्स लेते हैं फिर ऐसे सोचते हैं कि यार चलेगा क्या करें, साइंस में मेहनत करते हैं बच्चे, साइंस वाले अपने को क्या है, ऐसा सोचोगे तो नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है, तुम कॉमर्स ले रहे हो, तुम्हें सोचना है कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है कॉमर्स का, मुझे कॉमर्स में पैसे निकालने। तो जितने भी लोग यहाँ पे CA बन के बैठे वो भी पैसा कमा रहे, MBA के अच्छी अच्छी कॉलेजेस में से जो लोग बाहर निकल के MBA बन रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड है 35-40 lakhs इज अर्निंग करंटली, ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, IIM से पास आउट हुआ है, ही इज अर्निंग 35-40 lakhs है। तो ये भी पॉसिबल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 35-40 lakh सभी कॉमर्स वाले कमाते हैं, लेकिन पॉसिबल है ये भी करना, और 8-10 lakh तो आप नॉर्मल अच्छी MBA की कॉलेज से पास आउट होते हो तो यू विल डेफिनेटली अर्न दैट मनी। लेकिन ध्यान क्या है, 12th में अच्छे परसेंट आए फिर तुम मेहनत करो, CAT के एग्जाम्स क्लियर करो और तुम मैनेजमेंट के स्टूडेंट बन जाओ, तो यू विल डेफिनेटली अर्न दिस मच मनी एटलीस्ट
और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बोला 35-40 लाख भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाओगे। द मेन थिंग इज बच्चे क्यों नहीं कमाते, द मेन थिंग बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स आर नॉट अर्निंग दैट मच गुड अमाउंट इज कि वो लोग मेहनत नहीं करते। आप किसी को पूछो मेहनत तुमने की कॉमर्स में कितनी, वो अगर बंदा कॉमर्स में उतनी मेहनत कर ले जितनी वो साइंस में करने वाला है तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे कि वो व्यक्ति कॉमर्स में डेफिनेटली अच्छे रुपए कमा सकता है। एक इच्छा होनी चाहिए, एक जिगर होनी चाहिए, मेहनत करने की एक डेडिकेशन होना चाहिए, तो फिर कोई इश्यू नहीं आएगा इस फील्ड में। और द लास्ट थिंग, मैंने तीन चीजों के बारे में बात की, नॉलेज, इंटरेस्ट, बेनिफिट, आपका करियर अपॉर्चुनिटी, और चौथी चीज जो दुनिया देखती नहीं है वो है कॉस्ट, खर्चा। फ्रेंड्स, कॉमर्स में 11th स्टैंडर्ड में भी, 12th स्टैंडर्ड में भी, और 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कोई भी कोर्स करो, उसका खर्चा बहुत ही कम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 11th 12th में तो बेसिक आपका जो खर्चा होगा वो स्कूल और ट्यूशन को मिला के 50,000 रुपए पूरे साल का खर्चा होता है, ठीक है, मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका। अभी उसको आपको फिर ज्यादा कुछ करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 50,000 रुपए सब कुछ हो जाता है खत्म। उसके बाद अगर आपने फ्रेंड सीए के बारे में आप सब जानते हो, सीए तो कॉमर्स की नंबर वन डिग्री है, ठीक है, वो उसके बारे में आप सब जानते हो, सीए में खर्चा कितना होता है, बहुत ही कम। मैं आपको बताऊं, सीपीटी में आप अच्छे ट्यूशन क्लासेस करो, 20,000 रुपीज उसकी कॉस्ट है, 10,000-15,000-10,000-10,000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट होगी, 30,000-40,000 में आपका पहला लेवल क्लियर हो गया, दूसरे लेवल में भी आपको 1-1.5 लाख रुपए का सब खर्चा लगेगा, और तीसरे लेवल में भी आपको 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा रहेगा पूरे साल का, और उसमें आप कमाओगे, पूरे सीए का कोर्स आपका 6 साल का 2.5-3 लाख में खत्म हो जाएगा। अभी 3 लाख में तुम्हारा पूरा 6 साल का कोर्स खत्म हो गया। अब तुम कोई अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर साइंस में हो तो तुम्हारी कितनी फीस है वो तुम खुद देखो। अगर तुम डॉक्टर में जा रहे हो या तुम इंजीनियरिंग में जा रहे हो, अच्छी कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो, तो देयर द फीस विल बी क्वाइट मोर, यहाँ पे वो कॉस्ट तुम्हारी बहुत बच जाएगी, और वो कॉस्ट बचकर मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा अगर आपने बेसिक लेवल का एजुकेशन प्रॉपर वे में लिया है तो। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अभी की जो एज है, जब 10th कंप्लीट करते तो लोग स्टूडेंट्स में मैच्योरिटी तब तक आ जाती है, तो पेरेंट्स की या दूसरों की कम सुनेगा, खुद ज्यादा सोचेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए आगे। सो अगर वो कॉमर्स में आ रहा है तो उसके लिए डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि आप सीए ने बात कर दी, तो ऐसी अलग अलग कोई फील्ड्स जो है जो उसको ज्वाइन करनी चाहिए, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दो। 11th और 12th स्टैंडर्ड में अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, मैं सही में बोल रहा हूँ, 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको उसके बारे में मेहनत करनी है, उसके बाद आपको सोचना है आपको किस जगह पे जाना है, क्योंकि 11th और 12th में आपको पता चल जाएगा यू लाइक विच सब्जेक्ट मोर। जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंसी ज्यादा पसंद है तो यू कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डबल माइंडेड थिंकिंग। अगर आपको अकाउंट्स पसंद है यू कैन गो फॉर सीए। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप कैट एग्जाम्स देके या फिर इंटीग्रेटेड वे पे भी एमबीए का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए एमसीए के कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी डिग्रीज है, सीएस है, एमसीए है, फिर उसके बाद आपके पास और कोई डिग्री है फाइनेंस के रिलेटेड डिग्रीज है, फिर आप जीपीएससी क्रैक कर सकते हो, फिर आपके पास सीएफए है, सीपीए है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिग्री आपके पास है, लेकिन हाँ एमसीए है, सॉरी आपके पास आईसीडब्ल्यूए है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं फ्रेंड्स जो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। लेकिन 2 साल अगर आप सोच लो कि तुम्हें क्या पसंद है कॉमर्स में 11th और 12th में, उसके बाद बेटर डिसीजन अगर आप लो तो आई फील दैट वुड बी गिविंग यू अ प्रॉपर रिजल्ट। ओके सर, जैसे सर ने बताया कि कॉमर्स फील्ड क्या है, सो ये बहुत स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगी डिसीजन लेने में कि आगे हमको क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू व्यूअर्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बेटर फ्यूचर। थैंक यू।